मिस काजल पठानिया बनी मिस इंडिया 2022। इसके बारे में काजल पठानिया ने जानकारी देते हुए कहा कि इसके ऑडिशन पठानकोट में हुए थे। ऑडिशन लेने के लिए चंडीगढ़ से सरुचि धीमान आए थे। वहां पर काजल पठानिया ने ऑडिशन दिया था और काजल पठानिया ने बताया कि उन्होंने काफी मेहनत के बाद इस अचीवमेंट को हासिल किया है। इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि मिस वंदना ने इसमें काफी उनका साथ दिया। उनके बिना वह अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकती थी। इस पद्धति को हासिल करने के लिए उन्होंने वंदना का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मिस वंदना उनका समय समय पर साथ देती रही है, उनके कारण ही उन्हें यह अचीवमेंट हासिल किया। मेरा नाम काजल पठानिया है और मैंने मिसेस कैटेगरी में विनर अनाउंस हुई हूँ। मैं वहाँ पे सेलिब्रिटी गेस्ट शेफाली बग्गा बिग बॉस 13 फेम आए थे और हमारे ऑर्गेनाइजर मैम है सुरुचि दीवान मैम एंड जजेस वंदना दी मैम। एंड मैं मतलब बताना चाहती हूँ अपनी जो जर्नी थी, मेरी ऑडिशन से लेके फिनाले तक की जो जर्नी है वो कैसे रही, मैं सबको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्टली हमारे पठानकोट में ऑडिशंस हुए थे। ऑडिशन चंडीगढ़ से आए थे लेने के लिए सुरुचि दीवान मैम, और वहाँ से मैंने मिसेस कैटेगरी में ऑडिशंस दिया था तो मेरी सिलेक्शन हुई। और हमारा 6th और 7th अगस्त को 3 मंथ के बाद चंडीगढ़ में फिनाले था, जिसपे मैंने काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स करी है। मैं सबको मतलब स्टेप बाय स्टेप बताना चाहती हूँ कि मैंने वहाँ पे फिनाले पे क्या क्या अचीव करा। फर्स्टली जो मैंने अचीव करा है वो मेरा सब टाइटल था सुपर मॉडल का, मिसेस इंडिया 2022 का सुपर मॉडल का मुझे टाइटल मिला था। एंड सेकेंड जो मुझे टाइटल मिला था वो मैं मतलब कि बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ कि ये टाइटल मुझे सब पार्टिसिपेशन में से सिर्फ मुझे ही मिला था। सेलिब्रिटी फेस ऑफ पंजाब, शान ए हिंदुस्तान, प्राइड ऑफ नेशन 2022, मिसेस इंडिया एम्पीरियल ग्रिड्स, थैंक्स टू ऑल जजेस टीम एम्पीरियल ग्रिड्स की जो मुझे टाइटल मिला था। एंड साथ में मुझे लास्ट में जो ट्रॉफी मिली थी मिसेज इंडिया 2022 की विनर की ट्रॉफी मिली और साथ में मुझे क्राउन मिला था। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ सबको कि मुझे मतलब कि मेरे पे वो टैलेंट देखा जजेस ने, बिग बॉस 13 फेम शेफाली बग्गा ने मुझ में वो टैलेंट देखा और मेरे में वो सारी चीज़ें देखी कि मुझे उन्होंने विनर अनाउंस करा। तो मैं सबको थैंक्स करना चाहती हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी फैमिलीज़ के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ कि फर्स्टली जो मेरे सिस्टर इन लॉ है, मेरे हस्बैंड और उनका बेटा है, इन्होंने मुझे काफ़ी सारी सपोर्ट करी है। स्टार्टिंग में मैं थोड़ा बहुत करती थी कि ऐसे, क्योंकि ससुराल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे इन्होंने मतलब फर्स्ट में ऑडिशंस में ही इन्होंने मुझे इतनी सपोर्ट करी, मेरे साथ गए, इन्होंने देखा, वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हुई, इन्होंने मुझे स्टेप बाई स्टेप 3 मंथ में मुझे मतलब बहुत सपोर्ट करी और सपोर्ट के साथ ही मैं ये सारा कुछ अचीव करके आई हूँ। मैं अपनी फैमिलीज़ को भी थैंक्स करना चाहती हूँ और साथ ही साथ ये मेरे बहुत स्पेशल है वंदना दी, इन्होंने ही मुझे मतलब कि ये सारी चीज़ों के लिए मतलब एक इंस्टाग्राम पे इन्होंने जस्ट छोटा सा मतलब पार्ट डाला था और मैंने इनसे मैसेज करा और इन्होंने मुझे बताया और इनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इन्होंने मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिखाया जिस पे मैं चली और विनर बन के पठानकोट में वापस आई हूँ। मैं सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट काजल एंड हर फैमिली बिकॉज वो शुरू से बड़ी हार्ड वर्किंग रही है ऑडिशंस टाइम से। बस मैं तो इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि जैसे मैं प्राइड ऑफ पठानकोट रही हूँ, अब मैं आगे वो काजल में देखती हूँ। सो कंग्रेचुलेशंस काजल, थैंक यू। मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा किया है इसने, मतलब कि इसने मेहनत भी बहुत की है। हम लोग का चलो कुछ स्पोर्ट था तो हमें इस बात की बहुत खुशी है कि 3 प्राइज़ लेकर आई है, पूरे पठानकोट के लिए गर्व की बात है। थैंक यू।